तपस्वी महाश्रमण जय वीत राग अवतारी जय महातपस्वी महाश्रमण जय वीत राग अवतारी वीत राग अवतारी वीत राग अवतारी जय जय प्रभु प्रभुता धारी जय जय महातपस्वी महाश्रमण जय वीत। तो उनकी फिर सुरक्षा का थोड़ा ध्यान भी देना पड़ता है। तो वैसे साधु में ऐसी चीज जो मूल मुख्य परिग्रह है सोना चांदी ऐसी चीजें तो होनी नहीं चाहिए। जैन साधुओं की तो कितनी सुंदर मर्यादा है। जैन साधु का जो विधान है साधु पैसे का त्यागी हो, साधु पैसे के मामले में न पड़े, अकिंचन रहे। और जो अकिंचन होता है वह तीन लोक का मालिक हो सकता है। स्थूल भाषा में संस्कृत में एक श्लोक आता है, अकिंचनोह मित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर् भवेहि योगी गम्य मिदम प्राहुः रहस्यम परमात्मनः। कि तीन लोक का नाथ कौन हो सकता है जिसके पास कुछ भी नहीं अकिंचन है, वह तीन लोक का नाथ है। यह योगियों के द्वारा गम्य रहस्य है कि परमात्मा बनना है तो अकिंचन बन जाओ, त्याग करो, परिग्रह पास में मत रखो। मैं जब छोटा था गुरुदेव तुलसी के साथ रहता तो गुरुदेव तुलसी बाहर पधारते तो लोग खमा 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 कई लोग बोलते थे। तो खमा बोलने में एक बार कभी यह भी बोलते थे कि तीन त्रिलोकी नाथ ने घणी खमा। तो मैंने फिर मेरे समझ में बाद में आया कि गुरुदेव को त्रिलोकी नाथ कैसे कहा गया, वो तो तेरा पंथ के तो मालिक हैं, तीन लोक के नाथ कैसे हुए। जब मैं ये श्लोक देखता हूं तो मुझे लगता है वो बात सही है। क्योंकि वे संत थे, परिग्रह के त्यागी थे, जो परिग्रह का त्यागी है वो तीन लोक का मालिक नाथ होता है और वो साधुओं के मालिक थे ही थे। आपके पास मान लो करोड़ रुपए हैं, आप करोड़पति कहलाने के अधिकारी हैं। किसी के पास अरब है तो अब्जपति कहलाने के अधिकारी हैं, पर तीन लोक के नाथ कहलाने के अधिकारी आप नहीं हो सकते। क्योंकि आपके पास परिग्रह है, पैसा है, और जिसने सब कुछ त्याग दिया, पैसे का त्याग कर दिया, घर घर का त्याग कर दिया, कोई जिसके घर नहीं है, कोई पैसा नहीं, कोई जमीन नहीं, ऐसा संत फकीर है, वो स्थूल भाषा में कहें या सूक्ष्म भाषा में भी कहें तो तीन लोक का मालिक वो हो सकता है। तो अपरिग्रह की चेतना है वहां अभय का विकास हो सकता है, और जहां परिग्रह की चेतना है वहां भय को उभरने का मौका मिलता है। पूर्व जन्म अनुभूति प्रेक्षा ध्यान शिविर की आयोजना हुई और अनेक भाइयों ने उसमें भाग लिया। यह पूर्व जन्म का सिद्धांत है, वह आस्तिक दर्शन का मूल सिद्धांत है। जैन दर्शन में तो इसकी विशद व्याख्या मिलती है, कितनी गतियां, मरने के बाद कौन कहां जाता है। हम गतागत का थोकड़ा अगर कोई जानता हो उसको ध्यान दे पड़े, उसमें कितने नियम हैं पुनर्जन्म के कि कौन सा जीव मर कर के कहां कहां जा सकता है और कौन सा जीव मर कर कहां कहां से मर कर के योनि किस योनि में आ सकता है, इसका विस्तृत वर्णन हमें गतागत के थोकड़े में मिल जाता है, जैन वांग्मय में मिल जाता है। बहुत नियम हैं उसके। जैसे नियम है कि देवता कोई आयुष्य पूरा करता है वह वापिस तत्काल देवता नहीं बन सकता। देवता का आयुष्य पूरा किया है या तो वह मनुष्य बनेगा या त्रियंश गति में ही जा पाएगा। कोई नारकीय जीव है, उसने नरक जीवन पूरा किया है तो वापिस न तो सीधा नरक में पैदा हो सकता न देवता की गति में पैदा हो सकता। देवता भी न नरक में पैदा हो सकता न वापिस देवगति में पैदा हो सकता। दो ही गतियां हैं
मनुष्य और त्रियंश, और नरक से निकलने वाला है वह भी या तो त्रियंश गति में जा सकता है या मनुष्य गति में जा सकता है। मनुष्य मरता है, मनुष्य मरकर के नरक में भी जा सकता है, त्रियंश गति में भी जा सकता है, वापिस मनुष्य भी बन सकता है और देव गति में भी पैदा हो सकता है। बहुत विस्तार से वर्णन हमें पुनर्जन्म के बारे में जैन वाङ्मय में मिलता है। हम भगवद गीता को देख लें, वहां भी पुनर्जन्म की बात आती है और वहां कहा गया कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति नवानि देहि। गीता में कहा गया कि एक आदमी जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, इसी प्रकार हमारी आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। तो यह पुनर्जन्म का सिद्धांत है और बुद्ध का प्रसंग भी आता है कि संभवतः बुद्ध के कोई पैर में कठिनाई हो गई, कुछ कांटा कुछ चुभ गया, तो उन्होंने कहा कि इतने जन्मों पहले मैंने किसी मनुष्य को तकलीफ दी थी, उस कर्म के विपाक से आज मेरे पैर में तकलीफ हुई है। तो कर्मवाद का सिद्धांत पुनर्जन्म के साथ जुड़ा हुआ है, आत्मवाद का सिद्धांत पुनर्जन्मवाद के साथ जुड़ा हुआ है। तो आस्तिक दर्शन का मौलिक सिद्धांत है पुनर्जन्म, और नास्तिक दर्शन का मौलिक सिद्धांत है पुनर्जन्म का न होना। दोनों के सिद्धांत हैं। कुछ अनुभव भी सुनाए गए शिविरार्थियों के द्वारा, कुछ बातें बताई गई, और अब यह ठीक है अनुसंधान का विषय है कि किसके अनुभव में कितनी सच्चाई, वो तो कुछ अनुसंधान गम्य बात है। किसी को वस्तुतः पिछला जन्म दिख जाए, किसी को न भी दिखे, और किसी को कुछ था और संस्कार की धारणा और कोई दिमाग में बीच में आ जाए, कई विकल्प इसके हो सकते हैं, परंतु इसके लिए कुछ सघन साधना अपेक्षित होती है, और सघन साधना के लिए अपने आप को नियोजित करना भी विशेष बात होती है। मुनि श्री किशन लाल जी स्वामी जो बरसों से परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के सान्निध्य के समय से यह प्रयोग कराते हैं, वर्ष में प्रायः एक बार, कभी दो बार, प्रायः एक बार होता है, प्रयोग होता है, और कितनों को यह लाभ मिलता है, और यह भी बड़ी सेवा है। किसी को साधना में योग देना, सहयोग करना भी बड़ी सेवा होती है। और भी हमारे कई संत लोग भी साथ में रहते हैं, आपके हिमांशु जी, नीरज जी, कई संत हैं, समण जी भी साथ में थे, तो कई खुद प्रयोग करेंगे। नीरज मुनि से तो बात अभी पूरी की नहीं है, क्या उन्होंने अनुभव किया होगा, परंतु एक विशेष प्रयोग, यह कोई सामान्य प्रयोग नहीं है, यह एक विशेष प्रयोग है, परीक्षा ध्यान का स्पेशल प्रयोग है, पूर्व जन्म की स्मृति का प्रयोग। तो यह शिविर भी लगा और कई शिविरार्थियों ने उसमें भाग भी लिया। तो संबोधि में जो कहा गया है कि हम अभय की चेतना का विकास करें, उसके लिए हमें यथासंभव प्रयास भी करना चाहिए। बाव का बड़ा संग आया हुआ है, और जैसा बताया कि पहली बार काम पड़ा है, इतना बड़ा संग बाव का एक साथ दर्शन करने के लिए आया है, यह विशेष बात है। और उनकी मांग तो है कि बाव आइए, तो बाव तो ऐसा है कि गुरुदेव महाप्रज्ञ जी बाव तो पधार गए थे और मैं उनके साथ में गया ही था, तो वैसे तो एक बार जाना बाव हो ही गया। मैंने सरदार शहर में कहा था कि ऐसे किसी भाई ने कहा कि बिना सन सम्मत के बाव आने की घोषणा संभवतः गुरुदेव तुलसी ने की होगी, तो मैंने वो पहले ही कर चुका हूँ, मैं तो जब कभी मौका आएगा बाव आने का भाव मैंने पहले ही कह दिया है, बिना सन सम्मत के तो मैंने पहले ही कह दिया बाव आने का भाव है मेरा, वो बात तो हो चुकी है, अब तो सन सम्मत की बात है, वो होनी चाहिए, कभी आने की बात मैंने पहले ही कह दी है, तो ठीक है मेरा भी मन हो गया बाव जाने का, क्योंकि बाव की जो बाव का बलिदान है, बाव ने बलिदान दिया है,
शासन के लिए, श्रद्धा के लिए, तो बाब का अपना महत्व है। उस बाब के महत्व का अंकन करते हुए मंत्री मुनि श्री को वंदना करके यह कहना चाहता हूँ कि सब प्रकार की अनुकूलता रहती है तो टापरा मर्यादा महोत्सव के बाद बाब जाने का भाव है। ठीक ठीक पूज्य प्रवर का वरदान बाववासियों के लिए नाम दानान सिठं अभयप्रयानं सच्चे सुया अनवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंबचेरं लोगुत्तमे समणे नायकुत्त। हाँ ठीक, काफी संख्या में है, काफी संख्या।